खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस फैसले की फाइल भी कोर्ट में पहुंच चुकी है, अंकित जज कोर्ट में पहुंच चुके हैं, फैसले की फाइल भी कोर्ट में पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, जब भी कोई फैसला पढ़ा जाता है और जब जैसे ही जज कोर्ट में आते हैं उससे पहले वो फाइल आई जाती है और उसके बाद में जैसे ही जज बैठते हैं जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक वो फाइल सबसे पहले उनके सामने रखी जाती है। जो पांच जज हैं तो पांचों जजों के सामने एक एक फाइल होगी जिसमें उनका जजमेंट होगा। अगर दो जजों का आम सहमति वाला है, मैं आपको रोकना चाहूंगी अंकित गुप्ता। देखिए कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, चीफ जस्टिस की तरफ से कोर्ट रूम में एंटर करने के बाद सब ये कहा है कि सब शांति बनाए रखें कोर्ट रूम में, मतलब प्रोसीडिंग शुरू हो गई है और जो सबसे पहला मामला यहां पर आने वाला है वो शिया वर्सेस सुन्नी, ये जमीन पर आखिरकार मालिकाना हक किसका, इस पर पहला फैसला आएगा शिया वर्सेस सुन्नी पर। सुमित, फैसला आने ही वाला है? शिया वर्सेस सुन्नी का जो मामला था उस पर पहला फैसला आएगा। 1501 नंबर का कोर्ट का केस है ये, इस पर यह तय होना है कि शिया पक्ष जिसने 2017 में एक नई रिट लगाई थी और कहा था कि यह जगह पर उसका हक बनता है क्योंकि यह 1946 में सुन्नी पक्ष को यह जमीन दे दी गई थी, उस वक्त उसके खिलाफ शिया पक्ष आया था, वो फैसला पहले आना है। किसी भी वक्त यह फैसला आ सकता है। एक मत से फैसला आया है शिया वर्सेज सुन्नी के केस में। फैसला क्या है डिटेल में वो आपको मैं बताऊंगा, अभी उसकी डिटेल नहीं आए, लेकिन ये बात आ गई है सामने कि एक मत से ये फैसला इस वक्त आया है शिया वर्सेस सुन्नी का, जो केस था जिसका नंबर 1501 का था। शिया पक्ष इस जगह पर अपना मालिकाना हक की बात कर रहा था जो सुन्नी पक्ष को दे दी गई थी 1946 में, उसको एक नई रिट लगाकर 2017 में चैलेंज की थी। फैसले की डिटेल जानकारी नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं आपको, डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन एक मत से इस 5 सदस्यीय बेंच ने इस मामले का फैसला कर दिया है। क्या है वो फैसला बताऊंगा तुरंत जैसे ही पता लगता है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि एक मत से सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, फैसला सुना दिया है शिया वर्सेस सुन्नी के केस में। डिटेल्स का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट में निपुण सहगल हमारे सहयोगी मौजूद है। अब शुरुआत अंकित के पास चलते हैं। अंकित गुप्ता, शिया का दावा खारिज। अंकित गुप्ता जी, फिलहाल हमारे सहयोगी निपुण ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक शिया वक्फ बोर्ड का जो दावा था वो खारिज हो गया है और 1946 का फैसला बरकरार है। यानी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो शिया वक्फ बोर्ड कह रहा था कि जमीन हमारी है और हम अपनी जमीन जो देना चाहते हैं हिंदू पक्ष को, उसको जो है उस दावे को खारिज कर दिया है और 1946 का जो फैसला था वो बरकरार रखा है। और ये फैसला एक मत से आया है, यानी कि 5 जजों की एक आम सहमति थी। बिल्कुल, 1946 के फैसले को एक बड़ी खबर आ रही है। एक जो दूसरा मामला है जो कि अयोध्या जो विवाद से जुड़ा हुआ है उस पर भी फैसला एक मत का है, ये एक बड़ी खबर है। यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि मेजोरिटी जजमेंट होगा या एक मत का फैसला होगा, तो अभी हमारे सहयोगी निपुण सहगल की तरफ से जो अंदर से जानकारी आई है उसके मुताबिक ये फैसला एक मत का है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 जज एक मत पर सहमत है, उन सब बड़ी खबर है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि ये बहुमत से नहीं, ये सर्वसम्मति का फैसला है अयोध्या मामले पर, यानी 5 के 5 जज एक राय के हैं।